हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेमत खाना और मैं हूँ नेमत। आज बनाते हैं हलवाइयों वाला समोसा घर में। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी, तो ये वीडियो कुछ लंबी होने वाली है। अगर आपके पास समय हो तो ही इसे देखें, स्किप करके या आधा अधूरा ना देखें, अंत तक देखें और ध्यान से देखें। क्या आप जानते हैं हलवाई अपने समोसा क्रस्ट को इतना कड़क, इतना सॉलिड और इतना खस्ता कैसे बनाता है? अगर नहीं तो चलिए आज सब कुछ जान लेते हैं। अगर समोसा बनाना हो तो हमें सबसे पहले मज़ेदार सा कीमा चाहिए। हमारे पास यहाँ पर उबला हुआ कीमा है, जिसे मैंने हल्दी, नमक, लहसुन अदरक और थोड़ा सा गर्म मसाला डालकर उबाल लिया था। तो यहाँ पर मुझे 10-12 समोसा बनाना है, तो उसके हिसाब से मैं कीमा ले लेती हूँ और बाकी दूसरे दिन के लिए इसे छोड़ देना है। तो मैंने यहाँ पर लगभग 5 टेबल स्पून कीमा लिया है। तो अब इस कीमे में मैं थोड़ा कटी हुई प्याज डालूंगी। बारीक कटी हुई प्याज इसमें हमें डालना है ताकि समोसा बनाते हुए समोसा फटे नहीं। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कीमा बनाएं, कीमा को ज़्यादा तेल में ना पकाएं, और अगर ज़्यादा तेल में हमने बना लिया है तो उसे छलनी पर डालकर छान ले, ताकि एक्स्ट्रा तेल जो है वो नीचे चला जाए। तो इसमें डालना है ये कटी हुई प्याज। प्याज से समोसे का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, बाहर से क्रंची और अंदर से बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा ये बनता है। साथ ही हरी मिर्च एक कटी हुई हमने यहाँ पर डाला है। बात समोसे की हो तो हरी मिर्चों को अवॉइड नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मैंने चिल्ली फ्लेक्स डाले हैं लगभग 1/2 टीस्पून। और अब ये हमारा होममेड चाट मसाला है, 1/2 टीस्पून इसे भी डाल लेते हैं। ऊपर आई बटन में चाट मसाले का लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप इसे ज़रूर देख लें। ये हमारा ज़ीरा पाउडर है, होममेड ज़ीरा पाउडर, तो 1/2 टीस्पून इसे भी डाल लेते हैं। थोड़ा सा और डाल लेते हैं। देखिए, ये कीमा हमारा जितना टेस्टी और मज़ेदार बनेगा, हमारा समोसा भी उतना ही मज़ेदार बनेगा। अब इसमें ढेर सारी कटी हुई धनिया की पत्ती और पुदीना के पत्ते डाल लें, यही इसमें सबसे ज़्यादा रिफ्रेशिंग टेस्ट डालेगा। तो जहाँ पर पुदीना डाला जाए वहाँ पर थोड़ा सा नींबू का रस डाल लेना अच्छा होता है, ताकि ये पुदीना के कड़वापन को थोड़ा बैलेंस कर दे, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। 1/8 टीस्पून हमने बिल्कुल थोड़ा सा काली मिर्च डाला है, ताकि इसकी भी खुशबू हमें मिल जाए। और अब सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से कीमे में मिला लेना है। तो लीजिए जनाब, हमारा ये कीमा तैयार हो चुका है। इतना कीमा बनाने के लिए आपको 300 ग्राम ड्राई मटन की ज़रूरत होगी, और अगर आपका बुचर आपको 300 ग्राम ड्राई मटन नहीं देता है तो आप 1 kg मटन से इतना मीट निकाल सकते हैं, कम से कम 7-8 बोटियां, जिससे आप घर में इस तरह का कीमा तैयार कर सकते हैं अपने चॉपर में। इसे घर में तैयार करना बेहतर होता है, क्योंकि बाहर से आने वाले कीमे में बहुत सारी गलाजत होती है और काफ़ी छीछड़े वगैरह भी काट देता है बुचर। तो घर में लाकर आप अपने चॉपर में बना लें, ये ज़्यादा बेहतर और हेल्दी होगा। कीमे के लिए समोसे का आटा बनाने के लिए यहाँ पर हमने 250 ml के मेज़रिंग कप से 1 कप मैदा लिया है। अब घी डालने के लिए यहाँ पर हमने जगह बना ली है। आपको इख्तियार है, आप चाहे तो घी में बनाएं, चाहे तो कुकिंग ऑयल में बनाएं, ऑलिव ऑयल में बनाएं, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून भर कर गाढ़ा घी डाल रही हूँ, ये पिघला हुआ घी नहीं है। तो लगभग यहाँ पर 60 ml के लगभग हमें घी इस्तेमाल करना है, और यहाँ मैं सब कुछ अंदाजे से कर रही हूँ। अब यहाँ पर चूंकि मैं मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए इसे खूब अच्छे से इसका डाइजेशन हो, इसके लिए मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून अजवाइन दोनों हाथों से क्रश करके मिला लिया है। अब यहाँ पर एक चुटकी कलौंजी मैंने डाला है,
ये भी हाजमा अच्छा करता है, साथ ही टेस्ट भी इससे बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर हाफ टी स्पून से थोड़ा कम हमने नमक लिया है, ये भी इसमें मिला देना है। और अब सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना है। इसमें हाथ लगाना ज़रूरी होता है और मुझे सारे काम हाथों से करने में ज़्यादा आसानी होती है, तो इसके लिए हाथ का धुला हुआ होना ज़रूरी है, नाखून कटे हुए होने चाहिए और जहाँ तक हो सके नेल पॉलिश अवॉइड ही करना चाहिए। तो अब चलेगा हमारा हाथ। जितनी भी रेसिपी हो और जिसमें मोयन डालकर खास्ता बनाने की बात आती है, तो यही बताया जाता है कि इसे लड्डू बना कर देखें। अगर ये बंद जाता है तो समझिए मोयन सही है, मगर लड्डू भी कई तरीके का होता है, तो इससे परफेक्ट तरीके से समझ में नहीं आता कि आखिर मेज़रमेंट क्या होगा। ये तो एक अंदाजे की बात है, तो पुराने वक्तों से इसका एक मेज़रमेंट है। कहते हैं सेरे पौआ, यानी एक सेर में एक पौ का मोयन बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो अब हमारे मेट्रिक सिस्टम में सेर तो रहा नहीं, तो 1 केजी में 300 ग्राम अगर मोयन डालें तो ये मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा आप मोयन नहीं डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा डालेंगे तो चीज़ें तलने के वक्त टूटेंगी, और अगर कम डालेंगे तो ज़्यादा खस्ता नहीं बनेंगी। तो 1 केजी में 300 ग्राम या 250 ग्राम मोयन काफ़ी है। तो इस तरह से मैंने मिला लिया। अब यहाँ पर इसे गूंधने की बारी है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसे गूंथ लेना है। मैंने यहाँ पर पानी का इंतज़ाम रखा है, चुल्लू में लेते हुए हम इसे गूंथ लेंगे। 5 मिनट तक मशक्क़त करने के बाद मैंने इसे आखिरकार अच्छे से निचोड़ ही लिया। अब इसे ढक कर हमें 20 मिनट तक रख देना है, उसके बाद ये काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। तो अब 20 मिनट के बाद हम इस आटे को वर्क सरफेस पे ले लेंगे और यही सारा काम करेंगे। आटा मीन्स मैदा, मैंने मैदा इस्तेमाल किया है। इसकी बराबर की 2 लोइयां बना लेते हैं। अब इसकी लोई बनाने की हमें ज़रूरत नहीं होगी, ये एक चिकना सरफेस हमें मिल जाता है। और इस तरह से हम इसकी पूरियां बेल लेंगे। देखिए, छोटी छोटी टेक्निक्स को आप अगर इस्तेमाल करें तो आपका वक्त बहुत बच जाता है। और ये चीज़ें आप किसी किताब में नहीं पढ़ते, बस आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो अब इसकी छोटी छोटी पूरियां बेल लेनी है। बहुत स्मूथ है, इसे बेलना कुछ भी दिक्कत का नहीं है। तो मैंने लगभग सारी पूरियां बेल कर रख ली हैं। अब इसमें कीमा भरने की बारी है, तो एक साथ ही हम इसकी पूरियां को फैला देंगे और फिर स्टफिंग करते चले जाएंगे। यहाँ पर मैं 2-3 तरीके से आपको इसकी किनारियों को मोड़ना बताऊंगी। तो इस तरह से हमने समोसा शीट को फैला दिया है। अब कीमा, इससे हम एक एक चम्मच लेंगे और इसमें जितना समा सकेगा भर कर डाल देंगे। अब इस तरह से मैंने इसमें कीमा डाल दिया है और इसकी किनारियों पर हल्के हल्के पानी लगा लें, क्योंकि इसमें घी डाला गया है तो बिना पानी के चिपकाने पर ये अक्सर तेल में डालने के बाद इसका मुंह खुल जाता है, तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है। आप थोड़ा थोड़ा पानी लगा दें तो ये बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएगा। देखिए, इसको हमने दोहरा दिया। अब जो वक्त बचाना चाहते हैं वो इसे इस तरह से बना सकते हैं। इसकी किनारियां हमने ये काट भी ली, ये सील भी हो गया। जो ज़रा मॉडर्न लुक समोसे का पसंद करते हैं उन्हें ये तरीका अच्छा लगेगा, और इससे एक्सपीरियंस होने की भी ज़रूरत नहीं, बच्चा भी इसे कर लेगा।
तो देखिए ये दूसरा तरीका है, ये अपना पुराना तरीका है। इसकी किनारियों को मोड़ने का, और ज़्यादातर घरों में इसी तरह से समोसे की तुरपाई की जाती है। जिनके घर में कोई बुज़ुर्ग होता है या ज़्यादा लोग होते हैं तो उन्हें तो बड़ा मज़ा आता है। तो दोस्तों मैंने इतना समोसा बनाकर रेडी कर लिया है, तो ये सूखने से पहले इसको मैं तल लेती हूँ, क्योंकि तेल हमने गरम करके रखा हुआ है। तो अब इसे आहिस्ता से पलट लेना है। आप फोर्क का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर गलती से इसमें क्रिक हो गया तो ये आपका बर्बाद हो जाएगा। इसमें टूट फूट नहीं होनी चाहिए, वरना सारा तेल अंदर चला जाएगा। अक्सर लोगों के समोसे एक घंटे के बाद पचक जाते हैं। उनकी शिकायत होती है कि उनके समोसे का क्रस्ट टाइट नहीं बनता। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, ध्यान रखेंगे कि कभी भी समोसे को हाई टेम्परेचर पर नहीं तलते। अक्सर हम कचौरियों को तलते हैं तो कहते हैं तेल बिल्कुल गर्म हो और उसमें डालकर हम फट से निकाल लेते हैं, लेकिन समोसे को पकाने के लिए और इसका क्रस्ट बहुत ही अच्छा सॉलिड तैयार करने के लिए टेम्परेचर हमेशा लो रहेगा, और लो टेम्परेचर पर ही ये देर तक कढ़ाई में तला जाना चाहिए। इससे ही इसका क्रस्ट सॉलिड बनता है और समोसा खस्ता होता है। तो ये ट्रिक आप हमेशा याद रखें कि धीमी आंच पर ही समोसे को तलें, और तेल के हिसाब से ढेर सारा समोसा डालें, यानी एक बड़ा बैच आप एक साथ बनाकर निकालें। ये नहीं कि तेल ज़्यादा आपने डाला है और दो दो समोसे निकाल रहे हैं, इससे समोसा आपका जल्दी पक जाएगा और उसकी क्रस्ट उतना सॉलिड नहीं बनेगी। तो इसे देर तक तेल में उछल कूद कराने के लिए ज़रूरी है कि आपके तेल का टेम्परेचर कम हो। देखिए लग रहा है ना, बिल्कुल हलवाइयों वाला प्रिपरेशन। आप देख सकते हैं ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो अब समोसा हमारा बिल्कुल रंग पकड़ चुका है, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। ऐसे झाड़ लेना ज़रूरी है ताकि एक्स्ट्रा तेल जो है वो नीचे गिर जाए। इसी तरह से बाकी के बैचेस भी बनाकर निकाल लेना है। तो बनाए ऐसे ही लाजवाब समोसे आप भी। कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो हमने बताए हैं उसे फॉलो करें तो आपके भी समोसे हमसे ज़्यादा बेहतरीन बनेंगे। तो दोस्तों आपने समोसा बनाने का ये तरीका देखा। उम्मीद है आज की रेसिपी को आपने एंजॉय किया होगा और कुछ टिप्स और ट्रिक्स शायद आपके भी काम आ जाए। तो इसी तरह अपना प्यार दिया करें, फॉलो करें हमें, और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।